हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाएंगे वेज दलिया, जो कि नाश्ते में और भी स्नैक्स के टाइम आप खाइए। लाइट वेटेड है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, 2 बड़ी चम्मच है, 2 बड़ी चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तेल। जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम हल्दी डालेंगे ताकि हमारी हल्दी पक जाए। उसके बाद हमने इसमें डाला है थोड़े से जीरा, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, ये मैंने बारीक प्याज काट लिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए बारीक टमाटर। आपको लाल टमाटर लेने हैं, लाल टमाटर से इसका रंग बहुत ही सुंदर लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है तब तक हमारे टमाटर नरम हो जाए, सॉफ्ट टमाटर हो जाएंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे। मैंने इसको 2 मिनट लिए स्टीम में पकाया है। हमारे टमाटर पक कर के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे मैश कर लेंगे, इसे हम दबा देंगे। दलिया बनाने के लिए आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से फ्राई करनी है ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रह पाए कोई भी सामान। उसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा हर चीज़ भुनी हुई होगी। तो अब हम फाइनली डालेंगे इसमें अपनी दलिया। इसको मैंने धुल लिया था और इसे छान लिया है। दलिया को भी हमें अच्छे से भून लेना है। एक सौंधापन आ जाता है, इसे हम अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हो ये हमारी दलिया और पूरा सामान अच्छे से भुन चुका है। हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे पतली दलिया बनाई है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पानी डालूंगी, लगभग 500 ml। और अगर आपको गाढ़ी बनानी है तो आप कम पानी से भी बना सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया, इसे हमें फिर से भूनना होगा। इसको मैं स्टीम के लिए 5 मिनट के लिए सिम फ्लेम में डाल दूंगी। ये हमारा पानी अच्छे से पक चुका है। 5 मिनट के लिए हम इसे फिर से पकाएंगे सिम फ्लेम में ही, फिर ये हमारी दलिया अच्छे से बन जाएगी। आपको इसमें 3-4 खौल आने का वेट करना। आप देख सकते हो इसमें उबाल आ रहा है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी, 1 चम्मच,
और ये हमारी दलिया बन करके एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे बबल्स उठ रहे हैं। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कुछ हरी धनिया और कुछ रेड चिली फ्लेक्स, मतलब कि रेड पाउडर। आप इसे बढ़िया से सर्व करिए और लोगों को दीजिए, लोगों को बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पसंद आती है।